थर्ड डोर से। इसी तरह आपने सब डोर्स को जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, स्लीपिंग लाइन। इस लाइन का क्या नेम होगा, विच लाइन इज स्लीपिंग लाइन। आपने बैट को बॉल के पास इसी तरह से लेके जाना है। आपने अपनी बुक में मेरे साथ डन कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, रैकेट्स को बॉल के साथ इसी पैटर्न से वन बाय वन डोर्स को जब ज्वाइन करते जाएंगे तो आपकी स्लीपिंग लाइन ड्रो हो जाएगी। रैकेट्स को आपने बॉल्स के पास लेके जाना है, वेरी गुड। फिर आपने क्या करना है, हॉकी, व्हाट इज दिस हॉकी, हॉकी को आपने पक के पास लेके जाना है। आपने सारे डोर्स को ज्वाइन करना है, आपने जरा सा भी ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, सेम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, स्लीपिंग लाइन। इंस्ट्रक्शन इज फॉर मदर्स, आपने बच्चे को इसी तरह से डेट, क्लास वर्क मंडे और इसी तरह से कॉपी प्रिपेयर करके देनी है। पीजी क्लास आपने क्या करना है, आपने वन बाय वन सब डोर्स को ज्वाइन करते जाना है। जैसे ही आप डोर ज्वाइन करते जाएंगे तो ये कौन सी लाइन ड्रॉ होगी, स्लीपिंग लाइन। इसी तरह से आपने ये फुल पेज राइट करना है। आपने क्या करना है मदर्स, आपने इसी तरह से बच्चे को कॉपी प्रिपेयर करके देनी है। जीरो, विच डिजिट इज जीरो, आपने क्या करना है, आपने सारे जीरो के अंदर कलर करना है। कलर्स आपने बाहर नहीं निकालने, आपने अच्छे से कलर डन करने हैं। मालूमात मदर्स के लिए है, आपने बच्चे को इसी तरह डेट, घर का काम, पीर, रंग भरें, आपने इसी तरह कॉपी प्रिपेयर करके देनी है। पीजी क्लास की कौन सी तस्वीर बनी है, अंगूर, आपने अंगूर में ग्रीन कलर करना है। आपने प्ले ग्रुप क्लास आपने क्या करना है, ग्रीन कलर लेना है और आराम आराम से ये कलर डन करने हैं। इसी तरह से आपने कंप्लीट अंगूर में ये कलर ग्रीन करना है, ठीक है, वेरी गुड। क्लास मेरे साथ